नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय देहरादून से हरिद्वार के जगजीतपुर आईटीआई में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जगजीतपुर आईटीआई के आधुनिकीकरण से राज्य में आईटीआई के आधुनिकीकरण की अच्छी शुरुआत हुई है। हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर अधिक ध्यान देना होगा। उत्तराखंड में आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में गुणात्मक सुधार की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। जगजीतपुर में आईटीआई का जो आधुनिकीकरण किया गया है, इससे जो अधिक छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग द्वारा जिन आईटीआई के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है, यह कार्य जल्द किया जाएगा। यह समय कार्य के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए आईटीआई में आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल हो, जिससे युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार, इंडस्ट्री एवं प्रशिक्षण संस्थान आपसी सामंजस्य से कार्य कर रहे हैं। इससे इंडस्ट्रियों को किस क्षेत्र में काम करने की अधिक डिमांड है, किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है एवं युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी रहेगी। अवसर पर ई माध्यम से फ्रोनियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री वीवी कामत, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, निर्देशक कौशल विकास श्री आर राजेश कुमार एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।